जय हिंद भारत माता की जय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में और मैं आपका अनुराग जायसवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिप्लोमा इन फार्मेसी। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी और इसके हम लोगों ने करीब चैप्टर 8 तक ख़त्म कर लिए हैं। कुल 12 चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर और है, उसको भी 2-3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो इसके पहले अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे चेक करके इन सारे लेक्चर्स को बारी बारी से देख सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थ्रोपोड ब्रोन डिजीज़, यानी कि जो आर्थ्रोपोड के वेक्टर के द्वारा फैलते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सिलेबस के हिसाब से इसमें आपको 3 बीमारियां पढ़नी है, प्लेग पढ़ना है, मलेरिया पढ़ना है और फाइलेरिया पढ़ना है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। देखिए आर्थ्रोपोड जो जंतु होते हैं ना, आर्थ्रोपोड दो वर्ड्स में बना है, आर्थो मतलब खंडयुक्त सेगमेंटेड एंड पॉड्स मतलब पैर, जिनके हाथ और पैर क्या होते हैं जो शिखंडयुक्त होते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया, है ना, ये जो जितने भी कीट पतंग हो गए ना, ये सब जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा फैमिली के अंदर आते हैं। तो ये जो जंतु होते हैं आर्थ्रोपोडा फैमिली के, ये बहुत सी बीमारियों के लिए वेक्टर का काम करते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियों को फैलाने के लिए वाहक यानी वेक्टर काम करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के जीव जंतु आते हैं, आगे बात करेंगे। जैसे कुछ देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं ना, ढेर सारे तरह के जीव जंतु हैं, खंडयुक्त चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, बी है, काक्रोच है, है ना। तो ये सारे जो अलग अलग जो एलिमेंट्स एनिमल्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इंसेक्ट हैं, इन इंसेक्ट्स के द्वारा जो होता है डिजीज़, वो हमारा आर्थ्रोपोड बोन डिजीज़ कहलाता है। तो हम तीनों को पढ़ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है देख लीजिए, इसको कोई खास रोल नहीं है। तो पहली बीमारी की हम बात करेंगे प्लेग। जैसे कि फिर हम जानते हैं कि आज हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है, और आप घर पर हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, घर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, और फिलहाल मैं तो हॉस्पिटल में हूँ तो मेरा काम बढ़ गया है। तो इन दैट केस क्या होगा कि उसी तरह से एक आज से बहुत सालों पहले एक महामारी फैली थी जिसको प्लेग कहते हैं। तो उस समय भी इसका इलाज नहीं था, काफ़ी लोग दुनिया में मरे थे इससे। भारत में उतना प्रभाव नहीं हुआ था, जैसे भी भगवान ना करे कोरोना के प्रभाव भी भारत में बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसी तरह से प्लेग का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा भारत में नहीं था। तो उस केस में क्या था कि उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तो फिलहाल उसकी वैक्सीन्स, उसकी दवाइयाँ सब खोज ली गई हैं, तो प्लेग अब लाइलाज नहीं रहा, लेकिन उस समय इसने काफ़ी लोगों की जान ली थी। तो प्लेग की बात करें अगर हम लोग फ्रेंड, तो प्लेग का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ये एक बैक्टीरिया जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जिसका नाम बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बीमारी है COVID-19 वो फैलती है किस वायरस से, कोरोना वायरस से। तो उसी तरह से यह जो बैक्टीरिया था, प्लेग था, वो बैक्टीरिया था यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा फैलता था। इसमें क्या होता था, जो प्लेग था पूरे वर्ल्ड में, और ये बेसिकली वाइल्ड रोडेंट जैसे चूहे होते ना, उनके द्वारा, मक्खियों के द्वारा ये पूरे बॉडी जरिए में फैला था। और ये डिजीज़ को बेसिकली 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया था, एक था बुबोनिक प्लेग, दूसरा था सेप्टिसिमिक प्लेग, और तीसरा था न्यूमोनिक प्लेग, यानी इस प्लेग बीमारी को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो आगे बात करें, जो बुबोनिक प्लेग था ये सेकेंडरी स्टेज में करीब 100% इसकी मोर्टेलिटी रेट थी, यानी बहुत से लोग इससे मरे थे, इसके सेकेंड स्टेज में ही काफ़ी लोग मर गए थे, और इसके कुछ 3 पेंडेमिक स्टेज थे। तो पर्सिनिया की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया होता है, ये वेपन्स है, एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी यूज़ किया गया था, जिसे आज हम लोग कह रहे हैं कि चाइना ने बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करके हमारे देश में खतरा फैलाया, उसी तरह से उस समय भी कहा गया था ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। और WHO ने उसको इस वक्त इमरजेंसी घोषित किया था, जैसे आज उन्होंने घोषित किया है, उसी तरह से उन्होंने प्लेग को भी इमरजेंसी डिसाइड किया था। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एर्सिनिया बैक्टीरिया के बारे में। तो इस बैक्टीरिया की पूरी डिटेल है कि इसकी किंगडम यू बैक्टीरिया है, फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया है, क्लास गैमोप्रोटोबैक्टीरिया है, ऑर्डर एंटरोबैक्टीरिया है, फैमिली एंटरोबैक्टीरियसी है, जीनस एर्सिनिया है, स्पीसीज पेस्टिस है, यानी एर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, कुछ करेक्टिव बात कर लेते हैं इसके मार्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल होता है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये कोकोबैसिलस सेब्स का होता है, इसका जो साइज़ है करीब 0.5 to 0.8 माइक्रॉन डायमीटर में था, और 1 से 3 माइक्रॉन इसकी लंबाई थी। ये मैक्सिमम 28 से 30 टेम्परेचर तक को झेल पाता था, और ऑप्टिमम पीएच की 7.2 to 7.6 तक ये रहता था। सेल वाल जो इसका लाइपोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड का मिलकर बना था। बाकी चीज़ें और चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ट्रांसमिशन कैसे फैलता था, ट्रांसमिशन बेसिकली 4 तरीके से फैलता था। पहला फ्ली बोर्न ट्रांसमिशन, कि किसी भी मधी मक्खी मच्छर या इनके द्वारा भी फैलता था। दूसरा था डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, यानी अगर किसी व्यक्ति जो संक्रमित है अगर उसके संपर्क में आप आते हैं तो उससे भी आपको हो सकता था। तीसरा था ये इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, यानी किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल है, अगर उस मान लीजिए कोई जानवर है वो बीमार ग्रसित है और उस जानवर का मांस आपने खा लिया या उसके साथ कॉन्टैक्ट में उसका दूध आपने पी लिया,
उससे आप भी हो सकते हैं। बाकी इन्हेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स या किसी पेशेंट के जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आपके सामने खांस रहा है, छींक रहा है, वो ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी के अंदर चले गए, तो इस तरीके से चार तरीके से पेस्टिस या पर्सिनिस का यर्सिनिया पेस्टिस की ट्रांसमिशन आपकी बॉडी में हो सकते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से हैं, अगर डेज अब चारों दिखता है कि ये कैसे कैसे इसके स्टेजेस होती हैं। पहले डी जीरो में जब आपके बॉडी के अंदर ये इन्फेक्टेंट पहुंचेगा तो क्या करेगा कि करीब वो बहुत कम मात्रा में रहेगा। ठीक है, उसके बाद डे वन से लेकर फोर तक क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाएगा, हर तीन घंटे में इन्फेक्शन का धीरे धीरे फेस ट्रांसमिशन होने लगेगा। डे फाइव के बाद धीरे धीरे जो हमारी बॉडी में मिड गट पर ये ट्रांसक्यूलेट हो जाएगा, फिर अपनी बॉडी के अंदर सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सब इसके कुछ फेजेज़ हैं। ये हमारा पहला था फ्रेंड प्लेग के बारे में, प्लेग बीमारी क्या है, इसका ट्रीटमेंट बताया था, वो एंटी कुछ डिस्कवर की गई है वैक्सीन उसके थ्रू किया गया था। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया एग्जाम में कई साल पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो इसलिए मलेरिया जरूर पढ़ के जाइएगा। मलेरिया आपको पता है कि एक तरह का ये प्लाज्मोडियम वाइवक्स यानी जो प्रोटोजोआ है उससे फैलता है, और इसकी जो वेक्टर होती है जिसके द्वारा ये फैलती है वो फीमेल मॉस्क्यूटो है, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलती है। ये सब जानते हैं हम लोग, क्लास 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो मलेरिया क्या है, एक तरह का मॉस्क्यूटो बॉर्न लेब्राइल डिजीज़ है जो कि मलेरिया पैरासाइट के द्वारा होता है। मलेरिया का जो वर्ड है, पहले स्टार्टिंग में मलेरिया को कहा गया था कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, माल प्लस एरिया यानी बुरा हवा। यानी शुरू में लोग मानते थे कि ये बीमारी जो है किसी वायरस बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से नहीं होती है, ये दूषित वायु के कारण होती है, यानी आसपास जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये बीमारी बढ़ती है, इसलिए इसका नाम मलेरिया रखा गया था। लेकिन बाद में लोगों ने जाना कि एक प्रोटोजोआ के स्पीसीज होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसके द्वारा होता है और वो हमारे बॉडी के अंदर फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफिलीज के द्वारा ही हमारे शरीर में एंट्री करता है। इसका सिम्टम्स क्या है, फीवर आते हैं, लगातार बुखार रहती है, ठंडी लगती है, इसके सिम्टम्स में है। आगे बात करते हैं इसकी, बेसिकली मलेरिया के लिए जो प्लाज्मोडियम है उसकी चार स्पीसीज होती है जो मलेरिया कॉज करती है, वो चारों स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। एक स्पीसीज और दिखता है प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स, तो कहीं कहीं में पांच स्पीसीज का वर्णन किया जाता है। तो मलेरिया जो होता है वो करीब पूरे भारत के विश्व के करीब 100 कंट्रीज़ इसके बारे में देखा गया और इसके सिम्टम्स दिखाए जाते हैं नॉर्मली। और ये जो होता है पैरासाइट 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक या 60% ह्यूमिडिटी तक ये हमारे जीवित रहते हैं। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड देखा जाए फैल्सीपेरम का, जो अगर कोई व्यक्ति फैल्सीपेरम से ग्रसित होता है तो उसको बुखार 9 से 14 दिन या 14 दिन तक हो सकता है। अगर वाइवेक्स है तो 17 दिन तक हो सकता है, ओवेल है तो 16 से 18 और मलेरी है तो 18 से 40 दिनों तक का इन्फेक्शन यानी उसकी बॉडी में बुखार हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि कैसे बीमारी फैलती है, कैसे हम जानेंगे, तो क्या होता है कि जैसे ही मच्छर ने आपको बॉडी में काटा, उस मच्छर के अंदर अगर वो प्लाज्मोडियम के लार्वा है तो आपके बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद पहले वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाके पहले वो स्टोर होगा, काफ़ी दिनों तक वहाँ रहेगा, और लीवर में स्टोर होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद वो आपके आरबीसी को एंगल्फ करना शुरू होगा, धीरे धीरे खाना शुरू करेगा और आपके नंबर 4 स्टेप में आरबीसी को पूरी तरह डैमेज कर देगा। फिर यह करेगा वो रेड ब्लड सेल से निकलेगा, डिस्क करने के बाद फिर वो आपको कहाँ चला जाएगा, लीवर में, यानी इरेथ्रोसाइटिक स्टेज और एक्जो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी जितनी देर वो आरबीसी में है तो उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, और आरबीसी से बाहर है तो एक्जो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। उसके बाद फिर क्या करेगा वो, फिर अगर आपको उस केस में स्पोरोजॉइट स्थिति में अगर कोई मच्छर आपको काटता है तो वो पेशेंट को काटता है तो वो लार्वा मच्छर में चले जाते हैं, यानी आधी लाइफ साइकिल उसकी मच्छर के अंदर पूरी होती है। इन्वेस्टिगेशन यानी कैसे हम चेक करेंगे किसी को, पेशेंट को, कि उसको मलेरिया है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है उसका पूरा हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फीवर टेस्ट करेंगे, फिर उसका मलेरिया टेस्ट, पैरासाइट टेस्ट करते हैं, एमपी टेस्ट, फिर उसमें टेस्ट में हम लोग उसका ब्लड सैंपल लेके चेक कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्या क्या होते हैं बेसिकली इसमें, सबसे पहले मैन जो होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट है, मॉस्क्यूटो है, ठीक है, उसमें सेलेब्रिटीज के थ्रू पहुंचता है, ये ऑलरेडी पूरी साइकिल में आपको बता चुका हूँ। साइन और सिम्टम्स क्या है, मलेरिया के काफ़ी सारे सिम्टम्स है, अगर अलग अलग देखा जाए तो स्किन में थोड़ा सा ठंडापन लगेगा, आपको पसीना भी होगा, आपके रिस्पायरेशन प्रॉब्लम, थोड़ी खांसी भी आ सकती है, स्प्लीन आपका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, पेट में नौसिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, आगे बॉडी में पेन बना रहेगा, मसल्स में थकाई लगेगी, और फीवर भी आ सकता है, और आपके हेडेक भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम एक सिम्टम्स मलेरिया के होते हैं। ठीक है, जैसे हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, डायरिया है ना, ज्वाइंट पेन, चिल्स, रीगर, कोरोनरी बल्जन, कोमा, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली क्लोरोक्वीन और पीमाक्वीन इसकी मेन दवा है, लेकिन आप समझ रहे हैं क्लोरोक्वीन जो है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो इस वक्त कोरोना के लिए भी काफ़ी एक्टिव है और पूरे विश्व में इसकी डिमांड है, भारत अमेरिका सहित करीब 30 देशों में सप्लाई करने वाला है, और हम वाकई में विश्वगुरु की स्थिति में इसलिए है क्योंकि हमारा भारत, एक सेकंड रुकिए मैं दवा दे के आता हूँ।
सुबह शाम खानी है, ये रोजे खानी है और ये रोजे खानी है, ये सुबह शाम खानी है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है हमारे भारत में करीब 2 करोड़ पर मंथ के हिसाब से हमारी कंपनियां बनाती हैं। भारत इसकी बहुत ज़्यादा इसका कंपोज बनता है और पूरे विदेश सप्लाई होता है। तो कोरोना केस में क्या है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक प्रोफाइलेटेड ड्रग है जिसको खाने से मेडिसिन से काफ़ी आराम हो रहा है, इसलिए लोग, क्योंकि अभी पूरी तरह से दवा की खोज तो हुई नहीं है, वैक्सीन की खोज हुई नहीं है, तो इस पर भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसी तरह से मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का एक डोज़ है कि पहले दिन आपको 10 मिलीग्राम पर बॉडी के हिसाब से खाना है, फिर दूसरे दिन आपको कैसे खाना, तीन दिन कैसे खाना, उसका पूरा डोज के हिसाब से आपको खाना होता है। ठीक है, बाकी और क्या तरीके कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, आप मच्छरदानी का यूज़ करिए, गुड नाइट का यूज़ करिए, ऑल आउट का यूज़ करिए, है ना, लिक्विड्स का यूज़ करिए ताकि मच्छर से दूर रहें। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी बीमारी फाइलेरिया की। दो बीमारी हो गई हमारी, प्लेग और मलेरिया, इस पर लास्ट बीमारी है फाइलेरिया। और फाइलेरिया आप जानते हैं इसको हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इसमें इंसान का पैर काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है और वो हाथी की तरह पैर दिखने लगता है। तो एक तरह का ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, फाइलेरिया के जो न्यूमेट्स होते हैं बेसिकली, जो आपके उनके इन्फेक्शन होते हैं, जैसे वाउचेरिया, वेनक्रॉप्टी हो गया और इन सब का एस्केरियासिस हो गया, उनका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है। तो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो फाइलेरिया को बेसिकली दो कैटेगरी हम बांट सकते हैं, एक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, दूसरा सबक्यूटेनियस और तीसरा सीरस कैविटी। तो लिम्फेटिक मतलब होता है कि ये हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को जब अफेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जो लिम्स होते हैं पैर हाथ, वो थोड़े से उनका साइज बढ़ जाता है। ये बेसिकली वाउचेरिया बैनक्राप्टी, बर्गिया मलाई और बर्गिया टिमोरी के द्वारा होता है। यानी ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के होते हैं इंसेक्ट्स एस्केरिस, जिसके वाउचेरिया बैनक्राप्टी, बर्गिया मलाई और बर्गिया टिमोरी के द्वारा होता है। दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फाइलेरिया, इसमें क्या होता है हमारे फ्रेंड, इसमें जो स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर होती है उनमें इन्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस फाइलेरिया। इसका एग्जांपल है लोवा लोवा और ऑनकोसेरा बुलबुलस और मोनसेनिल्ला स्ट्रिप्टोसेरा। ठीक है, ये 3 इसके द्वारा होता है। और एक होता है सीरस कैविटी फाइलेरिया, इसमें क्या होता है ह्यूमन का जो एब्डोमेन में सीरस कैविटी होती है वो इफेक्ट होती है, उसे बोलते हैं सीरस कैविटी फाइलेरियासिस। इसमें होता है बेसिकली मोनसेनिल्ला ओजार्डी और मोनसेनिल्ला पेस्टोरिस, इनके द्वारा ये फैलता है। 3 प्रकार के हमारे फाइलेरिया हो गए। अब लिम्फेटिक फाइलेरिया की बात करेंगे जिससे हमारा पूरा हाथ पैर सूज जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इसकी बात करेंगे। ये वाउचेरिया वेनक्राफ्टी के द्वारा हो रहा है या बर्गिया मलाई या बर्गिया टिमोरी से हो रहा है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। मैं एक सेकेंड मेडिसिन देकर आ रहा हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जो दवा 3 है, सुन रही आप, जो दवाइयाँ 3 है उसे 1 बार खानी है और जो 6 है उसे 2 बार खानी है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, किसी भी टाइम खा सकते हैं ना। हाँ, सॉरी डियर, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ तो कुछ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, दैट्स वाई सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ऐसे ही काम करना पड़ेगा, सिलेबस पूरा करना है तो थोड़ा सा इसी समय हॉस्पिटल की ड्यूटी का समय या फिर रात को दिन में समय निकालना पड़ेगा। तो इसके आगे बात करते हैं कि जो वाउचेरिया बैनक्राप्टी होती है, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड इसी से होता है इंसान। तो ये मोस्ट कॉमन और वोट पार्टिसिपेट करेगा फाइलेरिया इन्फेक्टेड ह्यूमन से। इसके हैबिटेट बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, ये एडल्ट ह्यूमंस, ये एडल्ट वॉर्म जो होते हैं ये बेसिकली लिम्फेटिक नोड्स में इंसानों के रहते हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं। और सबसे पहले इसका केस 1863 में इस डेवलप हुआ था, बाकी स्टोरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एडल्ट वॉर्म जो होता है वो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका लंबा सा होता है, पतला सा। उसका जो मेल का करीब वेट होता है, हाइट होता है, वो 2.5 to 4 centimeters होता है, जबकि फीमेल जो होती है वो 8 to 10 centimeters ज़्यादा लंबी होती हैं। और लाइफ स्पान इनका 5 to 10 साल तक होता है, काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं बॉडी के अंदर। ये इनका एस्केरिस जो है उनका स्ट्रक्चर है, सेफ है। ठीक है, लाइफ साइकिल देखा जाए तो हमारे बॉडी में ये 2 लाइफ साइकिल होते हैं, वो 2 होस्ट के द्वारा होते हैं बेसिकली। एक होस्ट तो ह्यूमन मैन होता है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मच्छर होती है। कौन से मच्छर होते हैं, बेसिकली क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स या एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ही मच्छर होती है, क्योंकि आधी साइकिल जब ये फाइलेरिया हमारे इंसान के शरीर में पूरा करते हैं तो उस इंसान को जब मच्छर काटता है तो उसका लार्वा स्टेज मच्छर में जाता है, और मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो आधी साइकिल फिर वो स्वस्थ इंसान के अंदर पूरी होती है। यानी 2 मनुष्यों के बीच इनकी पूरी लाइफ साइकिल पूरी होती है। ठीक है, ये पूरी इनकी लाइफ साइकिल है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप देखिए, मच्छर ने
मनुष्य को काटा और इसके अंदर काटने के बाद उसने अपने लार्वा इस पर छोड़ दिए। फिर ह्यूमन के अंदर जाके इस लार्वा ने डेवलपमेंट किया, अपने मल्टीप्लिकेशन किया, अपनी संख्या बढ़ाई करते करते करते, फिर ये जाके मनुष्यों के लिम्ब्स में, बेसिकली लिम्ब में अटैक करते हैं, वहाँ अटैक करके वहाँ के सेल को डैमेज करते हैं, धीरे धीरे वहाँ का साइज लार्ज होने लगता है, फिर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं, फिर मच्छर काटता है तो फिर बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा साइकिल है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा इसके पैथोजेनेसिस की, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी पेशेंट को फाइलेरिया है तो क्या क्या उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला तो उसको अर्ली इन्फेक्शन में क्या होगा कि उसको फीवर आएगा और हेडेक होगा, और इस केस में क्या होता है अक्सर फ्रेंड रात को करीब 12 बजे के बाद फीवर बहुत तेज आता है इसमें, क्योंकि उस समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में होते हैं एस्केरियासिस। ठीक है, और दूसरा क्रोनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि इसमें बार बार लिम्फेटिक डैमेज के अटैक्स आते हैं और झटके आते हैं इंसान को, हाथ पैर बहुत फूल जाता है, इन्फ्लामेशन होता है पूरे बॉडी में, है ना, और डायलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब लिम्फोसाइट्स को डायलेशन होते हैं, और लिम्फोरोजिया, ये ना साइम क्लैरोमुगा हाइडेक, है ना, हाइड्रोसील, इसके इस हाइड्रोसील, यानी ये सब सिंपल से प्रॉब्लम्स किसी भी पेशेंट को हो सकते हैं अगर वो फाइलेरिया से इन्फेक्टेड है, तो ये 4-5 प्रॉब्लम उसको हो सकती है। एलिफेंटियासिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इसको बोलते हैं हाथी पाव। इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान का जो पैर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल करके एक हाथी के शेप का हो जाता है, तो उसे हाथी पाव कहते हैं। इसमें इंसान का लोअर लिम्ब्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, वो काफ़ी तरह से फैल जाते हैं, इन्फ्लामेशन, थिकनिंग हो जाती है उसमें, और उसमें ढेर सारे लिम्फेटिक वेसल्स की थिकनिंग होती है और फ्लूड का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लैब में टेस्टिंग के लिए बेसिकली इसको टेस्टिंग करते हैं हम लोग, इसमें ब्लड यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, उसके द्वारा हम इसमें चेक करके उसमें एस्केरियासिस को चेक करके पता कर सकते हैं किसी इंसान को फाइलेरिया है कि नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें काइलस फ्लूइड का भी आपके बॉडी में जो होता है उससे भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम बायोप्सी स्पेसिमेन को भी बायोप्सी भी करके चेक कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए बेसिकली मच्छरों से दूर रहिए और बेड्स यूनिट मच्छरदानी का यूज़ करिए और हमेशा मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करिए, और आसपास अगर कोई पेशेंट फाइलेरिया का तो आप तो जरूर मच्छर से बच के रहिए। ठीक है, देखिए आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं, पैर किस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, भगवान ना करे किसी को हो। आप देखिए कि पैर कितनी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, पूरा लिम्फ नोड काफ़ी स्वेल कर जाता है और हाथी पाँव की जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 9 जो कि था आर्थ्रोपोड बोन डिजीज़। हम लोग चैप्टर नंबर 9 ख़त्म कर चुके हैं और बहुत जल्दी आपके सामने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे में चैप्टर नंबर 10 लेके आऊँगा, और उस पर कुछ हमको बीमारियाँ पढ़नी जैसे कि एड्स है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, चैप्टर नंबर 10 में हम उसकी बात करेंगे, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप घर पे रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए और खुश रहिए, सदैव खुश रहिए, ये वक्त मुश्किल का है, बीत जाएगा, कुछ भी बहुत दिन तक नहीं रहता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।